आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश किस्सा किस्मत का इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रीवा विधानसभा में चुनाव परिणाम पर एग्जिट पोल की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य सनी समरा। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाराज की। जैसा कि अभी आठों विधानसभाओं के एग्जिट पोल हमारे सामने हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ ही भाजपा और अन्य पार्टियां भी यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। कई सीटों पर आश्चर्यजनक नतीजे सामने आने वाले हैं और यहाँ भाजपा कांग्रेस के साथ ही सपा और बहुजन समाज पार्टी का भी खाता खुल सकता है। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सनी सम्राट इस पर चर्चा करेंगे और अपने व्यू देंगे। क्या लगता है कि रीवा जिले की आठों विधानसभा में जिस तरह से भाजपा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, साथ ही यहां पर एक आश्चर्यजनक नतीजा भी सामने आएगा और वो होगा गुड़ विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। नमस्कार दोस्तों, आज वक्त है परिणाम का, यानी कि अनुमान रूपी परिणाम। हम कोई डंके की चोट पे कोई परिणाम नहीं दे रहे हैं, पर ज्योतिष के अनुसार, जिसमें यानी कि मैं ज्योतिष की विधियों टैरो राशि गोचर सभी को मिला के अपनी ओर से एक अनुमान का परिणाम यानी कि परिणाम का अनुमान निकालेंगे, जिसके अंतर्गत मेरे अनुसार जिन प्रत्याशियों के भेजक के अनुमान अधिक है उस स्थान से मैं उनका नाम पहले लूंगा, उनके बाद जिनके ज्यादा चांस हैं उनका, और आखिरी में उनके बाद, यानी कि कल हर जगह से हमने 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम उसी क्रम में रखे हैं जिस अनुसार हमारे अनुमानों के अनुसार उनके विजय होने के। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं रीवा विधानसभा की। रीवा विधानसभा में 3 प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और तीनों कद्दावर नेता हैं। बात करते हैं अगर राजेंद्र शुक्ल की, वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं और पिछले 3 बार से यहाँ पर विधायक रहे। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर अभय मिश्रा के रूप में एक प्रत्याशी है जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कासिम खान। क्या लगता है कि तीनों में जो यहां पर मुकाबला होगा कितना रोचक होगा और इसमें कौन जीत हासिल कर सकता है? अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा में खासकर सबसे पहले नंबर पर विजय के अनुमान है राजेंद्र शुक्ला जी के, जो कि बीजेपी से खड़े हैं, और उनका यह अनुमान मेनली शुक्र ग्रह के कारण है, क्योंकि शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में है और काफी उच्च का है और गोचर में भी उसकी स्थिति यही है। तो ज्योतिष की सभी विधियों में जहां गोचर धूल साथ में जुड़ जाता है वो विधि सबसे ज्यादा तगड़ी विधि कहलाती है और उसका अनुमान सबसे तेज रहता है। तो पहले नंबर पर रीवा से रहेंगे राजेंद्र शुक्ला हमारे अनुमान के अनुसार। दूसरे नंबर पर चांस है मंगल ग्रह के कारण आदरणीय अभय मिश्रा जी के, और तीसरे नंबर पर हमारे अनुसार रहेंगे कासिम खान, जिन पे बुद्ध की कृपा है। ऐसा रीवा क्षेत्र का एक बिल्कुल। अगर हम ज्योतिष और एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र शुक्ल भारी मतों के साथ जीत रहे हैं और वो फिर एक बार चौथी बार यहाँ से विधायक चुने जा सकते हैं। क्या लगता है कि राजेंद्र शुक्ल की जो छवि रही और विकास कार्य, साथ ही उनके कुंडली में जो प्रबल योग है उसी के चलते उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है? एग्जैक्टली, सबसे मेन चीज ये है कि इनने काम बहुत किया है और हर जगह आदमी अगर कहीं विवाह भी होता है तो 100 लोगों में 10 लोग नाखुश रहते हैं, 90 खुश रहते हैं, तो कुछ लोगों को उनसे नाराजगी भी है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं परिवर्तन लाएंगे, लेकिन अगर हम एक औसतन बात करें तो उनने काम काफी किया है, जिस कारण मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अगर वो केवल 50 वोटों से भी जीते पर विजय के अनुमान उनके ज्यादा है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करते हैं ज्योतिष की, साथ ही जुड़ जाता है कर्म। कर्म भूमि में आपने कैसा काम किया है, कितना बेहतर काम किया है, वही परिणाम भी सुनिश्चित करता है और यहाँ पर जो उन्होंने पूर्व में काम किए थे उसी के चलते वो जीत तक पहुंचने वाले हैं। अगर हम बात करें गुड़ विधानसभा की तो गुड़ विधानसभा में 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जीत तक पहुंचने में कामयाब भी हो सकते हैं। उन 3 नामों पर चर्चा करें तो हम उसके पहले आपको बता देते हैं ये 3 नाम कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें उभरता हुआ नाम सामने आ रहा है वो समाजवादी पार्टी के कुंवर कपिध्वज सिंह का। कपिध्वज सिंह ने एक बेहतर प्रदर्शन किया और इसी के चलते वो जीत की होड़ में है। अगर हम बात करें गुड़ विधानसभा की तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी
कपित ध्वज सिंह, सुंदरलाल तिवारी, नागेंद्र सिंह, इनमें किन की दावेदारी मजबूत है? अगर हम बात करें गुड़ विधानसभा की, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसी विधानसभा है जहां हर बार लोग कुछ सोचते हैं और नतीजा कुछ और ही रहता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर हर बार विधायक बदला गया है, यहाँ की जनता ने हर बार विधायक बदला है। और अगर हम 70 सालों की बात करें तो यहाँ पर ऐसा विधायक, दो ही विधायक चुने गए हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं, उसमें नागेंद्र सिंह और विद्यावती पटेल जो रिपीट हुए, बाकी के सारे विधायक यहाँ पर हारे और नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में आया और जीत तक पहुंचा। अगर हम बात करें वहां की, तो सबसे पहले मैं पिछले बार के चुनाव में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। पिछले बार सुंदरलाल तिवारी जो वहां विजय हुए थे, उनके लगभग 27,500 वोट थे। दूसरे नंबर पे नागेंद्र सिंह जी थे, जिनके 26,500 वोट थे। और तीसरे नंबर पे आदरणीय कुंवर कपिलधर सिंह जी थे, जिनके 25,500 वोट थे। जो व्यक्ति पहली बार निर्दलीय बिना प्रिपरेशन के इतने कम वोटों का अंतर रख सकता है, तो बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मेरा इशारा उन्हीं की ओर है। इस बार सबसे पहले जीतने का अनुमान है आदरणीय कंवर कपिलधर सिंह जी का, जिनपे बुद्ध की कृपा है। बुद्ध अभी अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा चांसेस है। और इनके लिए ना केवल ज्योतिष अपितु इनके लिए ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां की न्यूज कह रही है, वहां के लोग कह रहे हैं, वहां की मीडिया कह रही है कि इन्होंने पिछले 5 वर्ष से, जब से पिछली बार इनको विजय प्राप्त नहीं हुई थी, वहां की हर शादी, हर व्यक्ति, हर समाज के वर्ग की शादी और हर कार्यक्रम में लोगों की सहायता की, उनके साथ उपस्थित हुए, सारी चीजें की। इस कारण अगर एक बार मैं ज्योतिष को भी हटा दूं, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग इनके चांसेस बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल। जिस तरह से ज्योतिषाचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि कुंवर कपिलध्वज सिंह ने जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन किया है, पिछले मर्तबा विधानसभा 2013 में उन्हें 25,510 मत मिले थे और ये मत उन्हें क्षेत्र में काम करने की बदौलत मिले थे। उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और जन समर्थन जुटाने में कामयाब हुए। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एग्जिट पोल का इशारा है इस तरफ कि वहां पर जीत की ओर अग्रसर हैं कुंवर कपिलध्वज सिंह। और ये कामयाबी उन्हें अगर मिलती है तो उसका श्रेय वहां की जनता को जाएगा कि उन्होंने जो वहां पर ऐरा प्रथा पर रोक लगाई और जो वहां पर मुद्दा था, स्थानीय मुद्दा, स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए और हम उसी के साथ है, वो वहां पर बहुत ही कामयाब दिखते हैं। एकदम सही कहा आपने विजय जी। अगर हम दूसरी बात मार रहे, दूसरे नंबर की बात करें, तो इस दौड़ में दूसरे नंबर पे है पहले विधायक रह चुके आदरणीय सुंदरलाल तिवारी। उनने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल में उन्होंने वहां का बहुत विकास किया, लोगों की बहुत सी समस्याओं का समाधान किया। ना केवल समाधान किया, गुड़ विधानसभा का एक कोना उधर खैरा गांव भी है, वो वहां तक लोगों का हाल देखने गए, वो भी कमजोर नहीं है, उनके साथ शनि की कृपा है। अगर हम कहें कि शनि ने सही साथ दे दिया, तो उनके भी चांस होने का कोई कमी नहीं है, वो भी बराबर टक्कर देंगे। ज्योतिषाचार्य यहां पर हम आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर आपने जो बात कही कि वो लगातार गुड़ विधानसभा में सक्रिय रहे, तो मैं यहां पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुंदरलाल तिवारी एक ऐसे प्रत्याशी थे जो जीतने के बाद मुड़कर गुड़ विधानसभा नहीं गए और उन्होंने जनता का कोई हालचाल नहीं जाना, जिस कारण से परिणाम यह हुआ कि आज वो जब वोट मांगने के लिए गए तो जनता ने उन्हें नकार दिया और उनके मुंह पर यह कहा गया कि आपने पिछले 5 सालों तक उनकी कोई सुध नहीं ली थी, अब किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। मेरे नॉलेज में वो खैरा गांव तक गए थे और समय गए थे जब चुनाव नहीं था। आपकी बात भी अपनी जगह सही हो सकती है, पर मैंने जो जाना मैंने वो बताया। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे, कई जगह लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, मुझे ये पता है। आपकी बात ये मान सकता हूँ कि ज्योतिष में उनके योग अच्छे बन रहे हो, वो जीत तक पहुंच जाए। लेकिन मैं भी वो भाषण सुनने गया था जब वो खैरा में आए थे, तो उसमें तो मैं समक्ष था और मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। और वैसे जनता है, कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं, बहुत सारे वो चीज रहेंगे। खैर, अपने इस टॉपिक को छोड़ते हैं। वी शुड गो फॉर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर नागेंद्र सिंह जी, जो कि वहां पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं और इनकी भी छवि अच्छी है। पिछले काल अचानक से कुंवर कपिलधर सिंह जी के लड़ने के कारण इनके कुछ वोट कटे, वरना ये जीतते, ऐसा लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से नागेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, उनकी विसात जो होती है उसको पार पाना आसान नहीं होता, लेकिन पिछले मर्तबा वो उनकी विसात जो थी वो यहाँ पर धराशायी हो गई और उन्होंने जीत के करीब पहुंचने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। और कपिलध्वज सिंह
इस जीत में रोड़ा बने, क्योंकि कपित ध्वज सिंह एक ऐसे प्रत्याशी थे जो जनता से जुड़े हुए थे और कपित ध्वज सिंह की बदौलत ही वहां पर नागेंद्र सिंह की हार हुई और जीत का सेहरा सुंदरलाल तिवारी के सिर बंधा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन इस बार भी क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि वो आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि चुनाव प्रचार से या किसी का काम करके जीता जाए। सहानुभूति हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा शब्द है जिससे बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। अगर पब्लिक की सहानुभूति रही तो मंगल ग्रह की कृपा के कारण ये न केवल अपने दोनों प्रत्याशियों को जम के टक्कर देंगे अपितु जीतेंगे भी। परंतु आज अगर ज्योतिष के अनुमान की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे है। बिल्कुल, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, वो नंबर एक पर बनना चाह रहे थे लेकिन जनता ने उन्हें नकारा और यहां पर सुंदरलाल तिवारी के बाद नागेंद्र सिंह पहुंच गए। बिल्कुल, क्या लगता है कि यहां पर जो जीत का आंकड़ा होगा कितने पार हो जाएंगे? वैसे तो मैक्सिमम चांस कपित सिंह जी के साथ है, क्योंकि अगर हम ज्योतिष को छोड़ दें, बाकी चीजों को छोड़ दें, जिस प्रकार निगम में राजन शुक्ला हर फंक्शन में लोगों के यहाँ मिलकर जाते हैं, उसी प्रकार से न केवल कपित सिंह वहाँ के हर फंक्शन हर वर्ग के लोगों से मिले अपितु उन्होंने वहाँ के कार्यक्रमों में काफी लोगों की सहायता भी की है, हर प्रकार से उपस्थित रह के धन जन धन हर प्रकार से। बिल्कुल, अगर गुढ़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ पड़ती है तो इसमें दर्शकों को कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कुंवर कपित ध्वज सिंह ने काम किया है उसके लायक वो वहां पर हैं। और ऐसे ही प्रत्याशी को जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए ताकि वो जनता का दुख दर्द समझ सके। अब बात करते हैं हम मनगवां विधानसभा की, तो मनगवां विधानसभा में जिस तरह से यहां पर परिणाम आपको देखने को मिलेगा, एग्जिट पोल जो कहता है वो बेहद चौंकाने वाला है। यहां बहुजन समाज पार्टी के खाते से वो सीट निकलकर कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। वहां नंबर वन पे हैं बबीता साकेत जी, जिनके ऊपर शुक्र की कृपा है। कुल मिला के मैं ये कहूंगा इस चुनावी मुद्दे में शुक्र ग्रह की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में बैठा है और जिसके साथ उसकी कृपा जुड़ गई उसे तो जीतना ही है। ये जमीन से जुड़ी हुई एक पर्सनैलिटी है जो कि अब उभर के हम लोग के सामने आने वाली है। हालांकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दावा था, टिकट देने के पहले उन्होंने यही बात कही थी कि पंचूलाल ही ऐसे एक प्रत्याशी हो सकते हैं जो भाजपा की नैया को पार लगा सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जो दिखा रहे हैं यहां पर यह झुठलाते हुए दिख रहे हैं कि यहां पर पंचूलाल जीत की ओर बढ़ रहे हैं, यहां पर बबीता साकेत जीत की ओर अग्रसर है, जबकि शीला त्यागी तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। मैं भैया की बात बताना चाहूंगा, जो पंचूलाल जी के लिए कहा जा रहा है उसका सिर्फ एकमात्र रीजन ये है कि मनगवां त्योनी दादा का इलाका रहा है, हमारे श्रीयुत जी का इलाका रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें कि बीजेपी की लहर है, कांग्रेस की लहर है, वहां जो चलता आ रहा है वो चलता रहा है, तो वहां तो चांसेस ज्यादा कांग्रेस की बनते हैं। परंतु फिर भी उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम लें तो बुद्ध महाराज की कृपा से पंचूलाल जी जो कि दूसरे स्थान पे इस दौड़ में लगे हैं और बबीता जी को बराबर की टक्कर दे रहे हैं, और अगर इनके बाद तीसरा नाम आता है तो शनि महाराज की कृपा से शीला त्यागी का ही आ रहा है, परंतु यहाँ पे ज्यादातर चांस तो बबीता साकेत जी के हैं। बिल्कुल, ज्योतिषाचार्य जिस तरह से आप बता रहे हैं, ज्योतिष में ये इनके ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि जीत की ओर अग्रसर है। मैं यहाँ पर दर्शकों को एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बबीता साकेत को लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, उनके कार्यशैली को लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए उनके चांस बढ़ते हैं। जबकि अगर हम बात करें शीला त्यागी की, तो शीला त्यागी वहां पर विधायक रही और इसके पहले पंचूलाल की पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं, और यही वजह है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, नए प्रत्याशी को वहां से जिताना चाहते हैं। कांग्रेस का नारा यही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें देवतलाव विधानसभा की, तो देवतलाव विधानसभा में ग्रीश गौतम जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन यहां पर विद्यावती जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उनका भी योग एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है वो जीत की ओर अग्रसर है। एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम देवतलाव की बात करें तो वहां पहले नंबर पे दौड़ में सबसे पहले शामिल है श्रीमती विद्यापति पटेल, जिन पे फिर से शुक्र महाराज की कृपा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुक्र गोचर में अपनी ही राशि तुला में बैठे हैं, इस कारण इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। और दूसरे नंबर पर पूर्व विधायक गिरीश गौतम जो बीजेपी को साथ लेके चल रहे हैं, उन्हें टक्कर दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कांग्रेस का नारा भी है परिवर्तन आवश्यक है और पब्लिक बोर भी हो गई है पुराने लोगों से, ऐसा कह सकते हैं उन्हें कुछ नया चाहिए।
यहाँ पहले नंबर पर विद्यावती पटेल, दूसरे नंबर पे बीजेपी से गिरीश गौतम जिन पर शनि महाराज की कृपा है, और तीसरे नंबर पर वहां सीमा जयवीर हैं जिन पे भी शनि की कृपा है। अगर मैं यहाँ पर दर्शकों को बताऊं कि विद्यावती पटेल वही शख्स हैं जिन्होंने गुड़ विधानसभा में ये परंपरा तोड़ी थी, दूसरी बार अगर विधायक रिपीट हुई तो विद्यावती पटेल थी, क्योंकि वहां इसके पहले कोई भी विधायक दोबारा विधायक नहीं चुना गया था। वहां की जनता ने दूसरे मर्तबा सभी प्रत्याशियों को नकार दिया और विद्यावती एक ऐसी पहली महिला विधायक चुनी गई थी जो दोबारा रिपीट हुई थी। विद्यावती गुड़ विधानसभा से दो बार चुनकर विधानसभा पहुंची और इसके बाद ये देवतलाव विधानसभा सीट पर गई, लेकिन पिछले मर्तबा इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने इन पर दांव आजमाया, बहुजन समाज पार्टी से अपने कांग्रेस पार्टी में शामिल कर इन्हें टिकट दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वैसे भी जो व्यक्ति एक बार गिर के और उठ के संभलता है उसकी चाल ढाल काफी ज्यादा तगड़ी होती है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को सुधार के आता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं बिल्कुल। अगर हम बात करें सिरमौर विधानसभा की, तो सिरमौर विधानसभा में सिरमौर ताज मिला था दीपराज सिंह को। दीपराज सिंह पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में सिरमौर में कामयाब हुए थे। इसके पहले वहां पर मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां सक्रिय थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा का कमल वहां पर खिला था। इसके लिए मैं शुरू से कहना चाहूंगा, दीपराज जी की कहानी स्टार्ट होती है यहां से कि वहां कमल की सीट को लेके 5 वर्ष पहले काफी ज्यादा विवाद था, तो बहुत से वहां के लोग ही आशान्वित थे कि उन्हें मिलेगा, पर अचानक से फैसला आया कि दिव्यराज जी को दिया जाता है। तो 150 लोग सिरमौर से आके हमारे यहाँ ढेका में तिगाए पे बीजेपी के कार्यालय के सामने आके उपस्थित हुए, और उनका सीधा एक डायलॉग था कि हमने इतने साल से जूते घिसे, हमें कुछ नहीं हुआ, ये 30 साल का बालक कहाँ से आ गया। परंतु हमारी बीजेपी ने ऐसा नहीं माना, उनने उन पर पूर्ण विश्वास किया और उस विश्वास को माननीय कुंवर साहब दिव्यराज जी ने कायम रखते हुए पिछले बार विजय प्राप्त की, न केवल काफी मतों से, बहुत अच्छी सम्मानी विजय। मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार भी वही प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, फर्क इतना है कि इस बार पत्नी मैदान पर है। पिछले मर्तबा दीपराज सिंह के अपोजिशन में थे विवेक तिवारी बबला, लेकिन इस बार उनकी पत्नी अरुणा तिवारी कांग्रेस की प्रत्याशी है और इन दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली बार जब तक रिजल्ट नहीं आए थे तो हमारे माननीय विवेक तिवारी जी लोग कांग्रेस से कह रहे थे कि मशीन बढ़िया है, अच्छी है, और उस समय दिव्यराज जी सवाल उठा रहे थे कि मशीन में खराबी है, परंतु रिजल्ट आने के बाद उल्टा हुआ और दिव्यराज जी ने बोला मशीन ठीक थी, और हमारे माननीय कांग्रेसी विवेक तिवारी जी, बबला जी, इन लोगों ने सवाल उठाया था कि ईवीएम सही नहीं है। इस बार जीत के वहां से परिणाम नंबर एक पे है श्रीमती अरुणा तिवारी, विवेक तिवारी जी की बबला जी की वाइफ। क्यों? क्योंकि उनके मंगल की कृपा है। लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर इनकी विजय होती है तो यहाँ इनके काम से ज्यादा जो श्री श्रीनिवास तिवारी का निधन है उस सहानुभूति का बड़ा तगड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वही विधानसभा सीट है जहां पर श्रीयुक्त को हराया और वो भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें यहाँ पर हराया था, राजकुमार उर्मलिया ने उन्हें हरा दिया था, और उसके बाद श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए और ये उनकी आखिरी सीट थी। एक ये सिरमौर एक ऐसी सीट है जहां से चुने गए विधायक विधानसभा में पहुंचे, लेकिन वो हमेशा अर्धनग्न अवस्था में रहते थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो थे राम लखन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिरमौर इकलौती ऐसी विधानसभा है रीवा क्षेत्र की जहां का अनुमान वैसे कोई भी नहीं लगा सकता। यहां पब्लिक, हम, आप, ज्योतिष, अन्य विधियों द्वारा कोई भी अनुमान लगाया जाता है, सदैव कुछ नया निकल के आता है। पर फिर भी मैं शनि सम्राट ढींगरा यहां अनुमान लगाता हूं कि मंगल ग्रह की कृपा कारण पहले नंबर पर यहां अरुणा तिवारी जी का पहला स्थान है इस रेस में, और दूसरे स्थान पर उनके बाद है माननीय कुंवर दिव्यराज सिंह जी जिन पे गुरु की कृपा है। अरुणा तिवारी जी पे मंगल की कृपा है जो इनको काफी तगड़ी टक्कर देते हुए विरोधियों को पीछे करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे नंबर पर इनके साथ इनको टक्कर दे रहे हैं दिव्यराज सिंह जी। तीसरे नंबर पे एक नया नाम उभर के आया है राम गरीब जी जिन पे शुक्र की कृपा है।
बिल्कुल, अगर राम गरीब आदिवासी यहां से जीतते हैं तो ये आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि राम गरीब इसके पहले तोथर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। तोथर विधानसभा सीट पर उन्होंने दो बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार वो इस विधानसभा सीट से जीते थे और इस बार उन्होंने विधानसभा बदल ली और सिरमौर विधानसभा में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हालांकि राम गरीब जी पे शुक्र महाराज की कृपा है, वो गोचर में अपने स्थान पे भी हैं, पर परंतु यहाँ पे मुद्दे कुछ अलग हैं। श्रीयुत का निधन, पहले से एमएलए रह चुके दिव्यराज सिंह जी, इसीलिए इनका तीसरा स्थान है मेरे अनुमान में, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है तीसरा पहले पे भी आ जाए। ये शुक्र महाराज पे है जो अपनी राशि में, तुला राशि में, गोचर में विराजमान है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सिमरिया विधानसभा का हाल, यहाँ के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के जो नतीजे खुलकर सामने आ रहे हैं। सिरमौर विधानसभा के बाद हम बात करते हैं अब सिमरिया विधानसभा की। सिमरिया विधानसभा में तीन ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहां पर प्रबल दावेदार हैं, साथ ही उनका योग भी ज्योतिष के अनुसार यहां पर बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी के पंकज पटेल की, तो यहां पर उनके साथ ही त्रियुगी नारायण शुक्ल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और तीसरे नंबर पर केपी त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अगर हम बात करें ग्रहों की, तो पहले नंबर पे यहां आदरणीय पंकज पटेल जी हैं, जिन पे बुध की कृपा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जल थल भूमि पेड़ पौधों सबसे जुड़ा हुआ है, खुशहाली का हरा ग्रह। दूसरे नंबर पे आते हैं आदरणीय कृष्णमती त्रिपाठी जी, उनपे भी बुद्ध की ही कृपा है, इसीलिए कांटे की टक्कर है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। बुद्ध के बारे में आपको बता चुका हूँ, गणेश भगवान है, रिद्धि सिद्धि के प्रति, तथा साथ ही साथ ये कमल से लड़ रहे हैं, बीजेपी जिसकी लहर रह चुकी है। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं अपने त्रियोगी नारायण शुक्ल जी, जिन पे शुक्र की कृपा है, और अपन कह सकते हैं कि ये भी एक वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो कुछ शुक्र भी अपनी राशि में गोचर में है। तीनों के बीच बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी, पर अगर ग्रहों के अनुसार हम लोग कहते हैं तो पहले नंबर पर है पंकज पटेल बुध ग्रह कारण, दूसरे नंबर पर उनको टक्कर दे रहे हैं कृष्णपति त्रिपाठी कमल से बुध के कारण, और चौथे तीसरे नंबर पे देंगे त्रियोगी नारायण शुक्ल दूसरे नंबर पर त्रिपाठी। दर्शकों को यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 2008 में जब परिसीमन हुआ, तो परिसीमन के बाद रीवा जिले में एक नई विधानसभा का उदय हुआ था, और वो थी सिमरिया विधानसभा। सिमरिया विधानसभा में पहली बार विधायक चुने गए अभय मिश्रा, दूसरे मर्तबा 2013 में उनकी पत्नी नीलम मिश्रा यहां से विधायक रही, और इस बार नीलम का टिकट काट करके केपी त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन जो यहां पर एग्जिट पोल के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और ज्योतिष के अनुसार भी दावा अगर किया जा रहा है, तो यहां पर पंकज पटेल का, पंकज पटेल 2013 में भी यहां से भाजपा के लिए मुसीबत थे और उन्होंने जोरदार टक्कर दी थी। बहुजन समाजवादी पार्टी के पंकज पटेल प्रत्याशी हैं, और इस बार फिर उन्होंने अपनी किस्मत को यहां से अजमाया है। ऐसे में किस्मत के साथ साथ उनके साथ कई योग भी बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए मैं जाना चाहूंगा सबसे पहले उन्हीं के साथ, पंकज पटेल के साथ, और दूसरे नंबर पे आदरणीय केपी त्रिपाठी, और तीसरे नंबर पे त्रियोगी नारायण शुक्ल, जिन पे शुक्र कृपा। तो एग्जिट पोल के यहाँ पर जो परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो आप इस सीट को अगर यहां से बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनकर आता है, तो आप आश्चर्य बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि पंकज पटेल ने यहां पर एक जमीन तैयार की थी। पिछले 10 सालों से वो यहां पर जमीन तलाश रहे हैं और लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं आप।
वो जनता से जुड़े हुए हैं और जमीन तलाश रहे हैं, इस कारण ये कहेंगे कि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और लोगों को उनके स्तर पे जाके समझ रहे हैं, इस कारण वहां पे उनकी विजय के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं मऊगंज विधानसभा की। मऊगंज विधानसभा में हालांकि कांग्रेस के विधायक हैं अभी वर्तमान में सुखेन सिंह बन्ना की दावेदारी बेहतर है और उन्होंने यहां पर अपनी जो जमीन बनाई थी, जमीन के साथ जुड़कर उन्होंने जो काम किया था, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दोबारा यहां से रिपीट किया और टिकट दी। अब अगर उनका फिर से जीत होती है तो ये आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के यहां पर जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं वो यहां पर सुखेन सिंह बन्ना के साथ है। हालांकि जोरदार टक्कर में है यहां से प्रदीप पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। एग्जैक्टली, आप बहुत सही कह रहे हैं। सुखेन सिंह बन्ना जी के लिए कहा जाता है कि अगर किसी किसान को खेती में घाटा हो जाता है तो ये उसके साथ जाते हैं खेत में और उसको उसके लिए अपनी तरफ से कुछ राशि देते हैं और उसके साथ खेती करवाते हैं। ये ना केवल जमीन बल्कि खेती से जुड़े व्यक्ति है, इसीलिए शनि महाराज की कृपा से इनका वहां सबसे पहला स्थान आ रहा है। दूसरे नंबर पे आ रहा है वहां प्रदीप पटेल जी का नाम, जिनपे बुद्ध की कृपा है, जो मंगल के ग्रह घर में अभी गोचर में उपस्थित है और इनकी कृपा भी इन पे काफी ज्यादा हो रही है। तीसरे नंबर पे वहां आएंगे मृगेंद्र जी, जिनपे सूर्य की कृपा है। टक्कर वहां भी कांटे की रहेगी, पर क्योंकि सुखेन सिंह बन्ना जी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और वो किसानों के साथ बहुत नरमता से पेश आते हैं, उनको समझते हैं और ये इलाका तो वैसे खेती किसानी का है, तो यहाँ तो चांसेस इन्हीं के पहले हो जाते हैं। बिल्कुल, मऊगंज विधानसभा में जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उस पे कांग्रेस भाजपा के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी भी सेंध मारने की कोशिश कर रही है। वो सेंध मारी करने के फिराक में है कि दो छत्रियों की लड़ाई में अगर सुखेन सिंह पीछे होते हैं तो प्रदीप पटेल यहां पर हावी होंगे और उनकी जीत सुनिश्चित होगी और साथ ही मृगेन सिंह भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें तौथर विधानसभा की, तो तौथर विधानसभा सीट में रमा शंकर पटेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी दावेदारी काफी मजबूत है और वो जीत की ओर भी एग्जिट पोल की आंकड़ों में बढ़ रहे हैं। साथ ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्याम लाल द्विवेदी उन्हें जोरदार टक्कर दे रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। त्यावथर की बात करें तो वहां रमाशंकर पटेल जी, जिनपे शुक्र की कृपा है, जो गोचर में अपनी ही राशि तुला में बैठे हैं, उनपे उनकी काफी तगड़ी कृपा है। और दूसरे नंबर पर श्याम लाल जी, जिनपे शनि कृपा है, वो उनको काफी अपनी स्पीड से टक्कर दे रहे हैं। और इनके बाद अगर हम आए तो फिर से शनि महाराज की कृपा से कृपान्वित गीता माझी इन दोनों के बाद आ रही हैं, परंतु अभी चांसेस तो ज्यादा रमाशंकर पटेल जी के ही हैं, जिनपे शुक्र महाराज की कृपा है। बिल्कुल, अगर रमाशंकर भी तौथर विधानसभा सीट से जीतते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की सीटों में बेहद और बड़ा इजाफा होगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर देगी और कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। साथ ही यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा का भी खाता खुल सकता है। शनि सम्राट, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस जय शनि महाराज। बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में यहाँ पर प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की और फिर बेहतर प्रदर्शन किया, एग्जिट पोल के आंकड़े जो बता रहे हैं, निश्चित तौर पर ही ये चौंकाने वाले होंगे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी खाता खुलेगा और उनकी साइकिल भी यहाँ पर कुंवर कपिलध्वज सिंह के रूप में दौड़ेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए रीवा दर्शन।